कर रहे बाबू, डिस्टर्ब मत करिए। देखिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ेंगे। देखिए हम लोग चैप्टर दो चैप्टर पढ़े हैं। पहला चैप्टर आस्ते, पांच चैप्टर का पूरा इकोनॉमिक्स है, हम लोग का पांच चैप्टर का सिलेबस है। दो चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, लेकिन दोनों चैप्टर कम मार्क्स का है। चैप्टर वन पढ़े दो मार्क्स का है, चैप्टर टू पढ़े वो छह मार्क्स का है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वाला चैप्टर, पहले पढ़ाएंगे जो कि 12 मार्क्स का है। तो सिलेबस 50 मार्क्स का नहीं है, सिलेबस 40 मार्क्स का ही है। जैसे अभी हम लोग अगर इको पढ़ रहे हैं तो इको में 50 मार्क्स लोग कहते हैं, 50 मार्क्स का सिलेबस का है, सिलेबस 40 मार्क्स का ही है। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के ऊपर दिया जाएगा। तो 40 मार्क्स का हम लोग का सिलेबस है। 40 मार्क्स के सिलेबस में 8 मार्क्स अभी तक हम लोग पढ़ाई किए हैं। 8 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स का पहला चैप्टर और 6 मार्क्स के हम लोग का सेकेंड चैप्टर। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले, अब आपको हम बड़ा मार्क्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें ज्यादा मार्क्स कवर्ड है। पास होने के लिए आपको 40 में बस 12 लाना होगा, और 12 मार्क्स खाली 12 मार्क्स का एक चैप्टर है। उसमें श्योर शॉट क्वेश्चन है, उसमें गिना चुना क्वेश्चन है, उसमें से ही क्वेश्चन आता है। वही चैप्टर हम लोग अभी करेंगे। कॉपी मेडिंग दीजिए, चैप्टर फाइव। चैप्टर का नाम लिखिए, नाम भी बहुत बड़ा लिखिए, मनी कॉमा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेकार लोग, देखिए मनी के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में डिटेल में आपको इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि सबसे देखो मनी, अनएम्प्लॉयमेंट और आपका इन्फ्लेशन, ये तीन चीज के बारे में आपको पढ़ना है। ये तीनों चीज देखो, वैसे तो हम लोग का इकोनॉमिक्स का नाम, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में नहीं पढ़ते हो, यू स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरा कंट्री के बिहेवियर के बारे में आप पढ़ते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें तीन चीज पढ़ाएंगे आपको। पहले मनी के बारे में पढ़ाएंगे, मनी क्या होता है, मनी का क्या फंक्शन है, कैसा कैसा मनी होता है, मनी सप्लाई कहां से होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है, कितना टाइप का इन्फ्लेशन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। स्टार्ट करें बाबू, चलिए कॉपी में लिख दीजिए मनी, इसके बगल में लिख दीजिए 12 मार्क्स, 12 मार्क्स लिख लिया ना। चल देखिए पहले समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, मनी किसे कहते हैं। तो देखो वैसे तो मनी मतलब आपको अगर आपसे अगर हम पूछेंगे, नॉर्मल आदमी से अगर पूछेंगे मनी का मतलब क्या है, तो बोलेंगे मनी मतलब रुपया, मनी मतलब पैसा। तो बाबू रुपया पैसा को मनी बोलते हैं, बट सवाल है कि वो कौन सा चीज है, वो कौन सा पैरामीटर है जो उसको मनी बना देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो उसको मनी बनने पे मजबूर कर देता है, वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए मनी का जो सबसे बड़ा चीज होता है वो होता है एक्सेप्टेबिलिटी। मनी का जो सबसे बड़ा चीज होता है वो क्या था, वो एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी मेक्स द थिंग मनी, सिंपल लैंग्वेज में कोई भी चीज का जो एक्सेप्टेबिलिटी होता है ना वो उसको मनी बना देता है। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वेदर दैट विल बी एक्सेप्टेबल और नॉट, वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। जैसे 500 रुपया का पुराना वाला जो नोट था जो डीमोनेटाइज हो गया, जो बंद हो गया, अब अगर आज के डेट में आप वो 500 रुपया हमको ला करके देते हो, वो 500 रुपया बस एक कागज का टुकड़ा है मेरे लिए या आपके लिए या किसी के लिए, वो अब मनी नहीं है। तो मनी को कैसे डिफाइन किया गया है, आपको पता होगा पहले जमाना में मनी नहीं चलता था, पहले जमाना में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है थिंग्स फॉर थिंग्स, सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान। मतलब आपका पास एक तो सामान है, जिसे आपको हम अभी ट्यूशन पढ़ा रहे, तो अभी के जमाने में क्या है, आपको हम ट्यूशन पढ़ाते, तो आपको हम ट्यूशन पढ़ाने के बदले आप हमको क्या दे रहे हो, रिटर्न में पैसा दे रहे हो, मनी दे रहे। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। आज से अगर थोड़ा बैक जाएंगे, इवन आपका क्या बोलता है उसका, आजादी से कुछ साल पहले भी अगर जाएंगे तो इंडिया में ऐसा नहीं होता था। बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था, बहुत ज्यादा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड के हर एक जगह पर बार्टर सिस्टम बहुत डोमिनेटिंग था। इंडिया में तो अभी भी रूरल एरियाज में बहुत सारी जगह ऐसे जहां पे बार्टर सिस्टम चलता है। गांव में आप जाइएगा ना, आप लोग गांव है क्या नहीं है, ओके
तो उत्तर प्रदेश ओके तो गांव में जब आप जाएंगे ना तो गांव में देखेंगे क्या देखेंगे कि गांव अभी भी हम लोग के गांव के तरफ में क्या होता है, एक तो लड़का साइकिल पे डमरू बजाते हुए आता है, बस डमरू समझते ना जो भोले बाबा के पास है, तो डमरू बजाते हुए आता है और डमरू बजाते हुए आता है तो गांव के जो घर के लोग है क्योंकि वहां पे नॉइस के गांव में तो खाली रहता है ना, तो वहां पे तो ऐसा नहीं, यहां पर क्या भीड़ भाड़, यहां पे जहां जाओगे वो कंजेस्टेड दिखेगा, गांव में तो ऐसा सीन नहीं है, गांव में क्या हर आदमी अपना घर घर में बैठा हुआ है, वहां डमरू का आवाज सुन के बच्चे लोग बाहर निकल जाते हैं, जब बच्चे लोग बाहर जाते हैं तो वहां पर कोई बच्चे लोग बाहर जाता है तो वहां पे आइसक्रीम लेकर के एक आदमी खड़ा रहता है, अब वो एक आइसक्रीम देगा आपको और उस आइसक्रीम के बदले धान देते हैं लोग या गेहूं देते हैं, एक प्रॉपर रीजनेबल क्वांटिटी में धान या गेहूं देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है बाबू, आइसक्रीम। आप लोग ये चीज कभी देखे हो क्या गाँव में? नहीं देखे हो, हम देखे हैं, हम देखे हैं, इसीलिए आपको हम पूरा प्रैक्टिकली बता पा रहे हैं, हमें जब गाँव में जाते थे जब छोटा थे तो ऐसा होता था और यही सिस्टम उस समय नहीं पता था किसको बार्टर सिस्टम बोलते, आज जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे आपको तो पता चला कि वो तो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम क्यों था क्योंकि और इवन पता ये तो हो गया धान गेहूं वाला सिस्टम, क्योंकि देखो क्या है ना गांव में अगर आप जाएंगे गांव के लोगों के पास क्या है, गांव में या शहर में रूरल एरिया अर्बन एरिया में फर्क क्या समझे इकोनॉमिक्स के हिसाब से, रूरल एरिया के लोगों के पास ना लिक्विड कैश नहीं, आज शहर के लोगों के पास लिक्विड कैश बहुत ज्यादा है, इसलिए डिमांड हाई है, डिमांड हाई होने के कारण महंगाई भी ज्यादा है, वो आपको इन्फ्लेशन में भी पढ़ाएंगे डिटेल में कि महंगाई क्यों ज्यादा होता है, बस समझ रहे हो, क्योंकि हम लोग तो देखिए अभी जो आपको बता रहे थे तो बार्टर सिस्टम मतलब सामान के बदले सामान, पहले बार्टर सिस्टम समझेंगे तभी आपको मनी समझ आएगा, नहीं तो क्योंकि मनी क्यों आया, ऐसा क्या खराबी था बार्टर सिस्टम में जो मनी लाना पड़ा, तो आपको बताए ना, तो अगर हमको धान लेके जाएंगे तो एक एक रीजनेबल क्वांटिटी में एक उचित क्वांटिटी में धान देंगे तो हमको उसके बदले क्या मिल जाएगा बाबू, आइसक्रीम, एक तो या दो आइसक्रीम मिल जाएगा, ये तो फिर भी आपको समझ आ रहा है, चलो धान के बदले। गांव में क्या होता था, मेरा मम्मी हम लोग का मम्मी लोग जो रहती थी, मम्मी लोग आंटी लोग जो रहती थी, मतलब अपना हेयर जो था ना लेडीज लोग का जो होता है ना, लेडीज लोग का क्या होता है जितना बार कॉम्ब करेंगे उतना बार हेयर बाहर आता है, बस थोड़ा चार क्वांटिटी में तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में हेयर बाहर आता था, तो मम्मी लोग का क्या करता था उस समय तो नेचुरल होता था ना, अभी तो हेयर फॉल भी बहुत होता लोगों का, उस समय नेचुरल हेयर रहता था उन लोगों का, तो नेचुरल उस समय थोड़ी ना देखे जैसे काजल लगाते हैं, तो काजल में अभी क्या लोग लेक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मानते हैं यूज करते हैं लोग, यूज करते हैं ना लोग, पहले ऐसा नहीं था, पहले लेक्मे फेक्मे नहीं था, पहले मेरा मम्मी लोग जो गांव में रहती थी ना वो लोग क्या करती थी, बर्तन में जो राख होता था, बर्तन में ना राख मतलब जला करके राख कर लेती थी, राख करने के बाद जो होता था उसमें से जो काला काला निकलता था वो दिखनी चाहिए, प्रैक्टिकल बात बता रहे इसमें कोई भी मन गलत कहानी नहीं है, और आप लोग भी शायद फील कर अपना मम्मी से पूछिएगा आप जाकर के, वैसे भी ना जो लोग एजेंट लोग है अभी तो उस समय उसमें से निकालते थे, निकाल कर लोग खुद काजल बनाते थे और वो काजल को वहां पर एकदम ऐसे ऐसे करके लगा रहे थे, आप समझ रहे, और अभी क्या है अभी हम लोग लेक्मे आइकॉनिक काजल यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या है ये वक्त के साथ टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उस समय ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आपको एग्जांपल देते देते बता दिए, तो क्या होता था ना हेयर को लोग क्या करते थे रखते थे संभाल करके, और हेयर जब एक रीजनेबल क्वांटिटी में हो जाता था इतना इतना करके हो जाता था, तो वो हेयर हम लोग देते थे, तो गांव में जब आदमी आ रहा था सामान बेचने खिलौना बेचने के लिए आता था तो वो हेयर हम लोग निकाल के था, हम अपना बात बता रहे हैं, हम लोग जो फील किया वो आपको बता रहे हैं, वो हेयर हम लोग देते थे इतना इतना हेयर कर देते थे रीजनेबल क्वांटिटी, मान लीजिए एक तो हेयर निकाल के देती है, बस वही देना, और हम लोग ना आशा में रहते थे कि मम्मी कब हेयर को कॉम करेगी और कब बाल गिरेगा और उसको हम लोग संभाल के रखेंगे और उसको जाकर के देंगे तो हम लोग को उसमें क्या मिलेगा, एडो कुछ खिलौना मिलेगा, बजाने वाला मिलेगा, डमरू मिलेगा, ये मिलेगा, जो भी मिलेगा, बच्चों का जैसे होता है, ये सारा बार्टर सिस्टम था, ये सारा बार्टर सिस्टम था वो आज हमको फील होता है और इसी को बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, तो बार्टर सिस्टम आप लोग भी कभी कभी फील किए होंगे, एग्जैक्ट बार्टर सिस्टम वही होता है जब सामान के बदले सामान, गांव में हम लोग ये भी देखते थे पहले, अब तो नहीं होता है, गांव में पहले ये भी देखते थे कि जो सर ट्यूशन पढ़ाते थे, जो सर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते थे, यहां पर क्या है आप लोग को ट्यूशन पढ़ा रहे आप हमको मॉनेटरी रिटर्न दे रहे हो, वहां पर मॉनेटरी रिटर्न नहीं देते थे, जो सर ट्यूशन पढ़ाने आते थे दूसरे गांव से आते थे, तो उनका क्या होता था, कोई उनका खाना बना दिया, कोई उनको चावल दे दिया, कोई उनको लौकी दे दिया, कोई उनको कद्दू दे दिया, कोई उनको खीरा दे दिया, कोई उनको दाल दे दिया, आप समझे हम क्या बोले, अब बात को लॉजिकली समझिए, अभी अच्छा अभी अगर मान लीजिए आपको भैया मेरे पास खीरा है, आपको खीरा देंगे क्या, हम खीरा लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि आप मॉनेटरी सिस्टम चलता है सामान के बदले सामान, टीचर यूज टू गिव यू द सर्विस, पहले पढ़े लिखे लोग भी कम होते थे, लिटरेसी रेट बहुत कम था इंडिया में, अभी लिटरेसी रेट बहुत हाई हो गया क्योंकि गवर्नमेंट फोकस कर रहा मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम का मतलब होता है गवर्नमेंट फूड क्लोथिंग और शेल्टर, ये तीन चीज पे सारा गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रहा, जैसा कि आपको हम हमेशा ही बताते आए हैं कि देखिए गवर्नमेंट का जो टॉप लेवल होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, जो मिडिल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना उन लोगों का डिफेक्ट होता है, बाकी गवर्नमेंट अपना तरफ से पूरा प्रोग्राम दे रहा, अब बताए गवर्नमेंट अभी देखो 500 प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च कर चुका है गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम क्या है बहुत सारा, देखिए अब लॉ कोई भी लॉ बनता है, इंडिया इतना बड़ा देश है प्रॉब्लम तो होगा ही, वो एक सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज ये है कि मॉनेटरी सिस्टम को बस समझे ना, तो कोई कोई आदमी पढ़ा लिखा होता था तो जो आदमी आता था पढ़ाने के लिए
उसको बात समझे ना, वो आते थे तो उनको खाना पीना, किसी का घर से ब्रेकफास्ट चला गया, किसी का घर से लंच चला गया, किसी का घर से डिनर चला गया, इस तरह से शिक्षक का जीवन कट जाता था, समझे ना, इस तरह से शिक्षक का जीवन चल जाता था। वहां पे मॉडी रिटर्न बोल के कुछ नहीं होता। और फिर जब वो टीचर अपना गांव जाने लगते थे तो कोई उनको एक तो कपड़ा दे देता था, कोई उनको मान लीजिए चावल दे दिया, कोई उनको मान लीजिए गेहूं दे दिया, कोई मान लीजिए दाल दे दिया, कोई फसल ग्रो हुआ तो वो दे दिया। तो इस तरह से लोगों का जीवन चलता था। और इस सिस्टम को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे बाबू? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम समझिए। एंड बार्टर सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वही मनी का डेफिनेशन। बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम नंबर वन, बार्टर सिस्टम वॉज नॉट द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास गाय है, आपके पास 12 गाय है, मेरे पास 5 भैंस है। आपके पास 12 गाय है, मेरे पास 5 भैंस है। अब भाई बात यार, तो आपके पास कितना है? 12 देखिए। अभी गाय को सुनो, गाय को देखो, गाय, हाँ ठीक है। तो मान लीजिए गाय को भैंस से अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको भैंस का जरूरत हो, जैसे मान लीजिए आपको भैंस का जरूरत ना हो, हमको गाय का जरूरत हो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना। एक ही समय में ये दोनों आदमी का नीड होगा, ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि बार्टर सिस्टम के लिए नीड होना जरूरी है। अगर कोई मान लीजिए आइसक्रीम बेचने आ रहा है तो किसी को आइसक्रीम खाने में इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, लॉजिकली समझिए। अच्छा, और हम आपको धान दे रहे, हो सकता है आपके पास धान का जरूरत ना हो। तो मत समझे हम क्या बोले कि बार्टर सिस्टम का एक सबसे बड़ा लेक्यूना था, सबसे बड़ा खराबी था कि कॉमन नीड का अभाव। कॉमन नीड मतलब दोनों के पास एक ही समय में एक ही नीड होगा जरूरी तो नहीं है ना। आपका नीड कुछ और है, मेरा नीड कुछ और है। बस समझ रहे क्या बोले? आपका नीड कुछ और है, मेरा नीड कुछ और है। आप हमको धान के बदले गेहूं एक्सचेंज कराते, हो सकता है आपको धान का जरूरत ना हो। ये एक पहला प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम का पहला प्रॉब्लम यह था कि देयर वाज द लैक ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई कॉमन मीडियम नहीं था। कॉमन मीडियम मतलब कोई ऐसा चीज नहीं था जो इसके बदले वो देंगे। तो सपोज आपके आपके खेत में, मेरे खेत में कद्दू हुआ है और आपके खेत में खीरा हुआ है। अभी खीरा को कद्दू से एक्सचेंज करेंगे, हो सकता है आपको कद्दू का जरूरत ना हो सकता है आपको खीरा का जरूरत ना हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम था लैक ऑफ स्टोरेज। उस समय लोगों के पास उतना स्टोरेज फैसिलिटी नहीं था, उतना वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं थी। तो देखिए, अगर मान लीजिए आज हम गेहूं ग्रो किए, जरूरी तो नहीं आज अगर गेहूं मान लीजिए मेरे पास है तो जरूरी तो नहीं है कि आज ही हमको कस्टमर मिल जाएगा जो गेहूं ले लेगा और धान दे देगा। तो ये एक प्रॉब्लम था कि स्टोरेज का अभाव था। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेरिसेबल सामान है, पेरिसेबल सामान मतलब खराब होने वाला जो सामान था वो बेकार हो जाता था, वेस्ट हो जाता था। ये भी एक प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम था, इससे कोई फ्यूचर पेमेंट बोल के कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट बोल करके नहीं था। जैसे आज आपसे हम गाय ले लिए, आपको हम बोले 5 बाद आपको भैंस देंगे, तो ऐसा बोल के कोई सिस्टम नहीं चलता था पहले। तो बहुत सारा अभाव था, लोग स्टोरेज नहीं कर पाते थे, कोई कॉमन मीडियम नहीं था, एक साथ नीड नहीं होता था। इस कारण से मॉनेटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर आप मनी को डिफाइन करेंगे, अब आपको समझ ये आ गया होगा कि मनी क्यों आया था और मनी का इन्वेंशन क्यों हुआ। मनी का इन्वेंशन इसीलिए हुआ जिससे कि इट विल बी यूज्ड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी कंट्री को चलाने के लिए कोई तो ऐसा यूनिट चाहिए जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो अगर आपको मनी को डिफाइन करना है तो आप मनी को कैसे डिफाइन करेंगे? इकोनॉमिक्स कहता है कि मनी में बी डिफाइंड एज अ मेटल, इवन अ पीस ऑफ पेपर और द कमोडिटी। मनी एक पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, मनी एक सिक्का हो सकता है, मनी एक कागज का टुकड़ा हो सकता है। मनी में बी एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ऐसा चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होता है। तो बताइए इंडिया में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्या यूज होता है? रुपीस। इंडिया का मॉनेटरी करेंसी क्या है बताइए? रुपीस। इंडिया में मॉनेटरी यूनिट क्या हो गया इंडिया का? रुपीस। इंडिया में रुपीस चलता है, इंडिया में कॉइन्स चलते हैं, और इंडिया में हर वो पैसा चलता है जिसमें गांधी जी का फोटो, गांधी जी का बर्थडे भी है, असल में इसलिए गांधी जी का नाम ले लिए। तो हर वो पैसा इंडिया में चलता है। क्या गांधी का बर्थडे नहीं है? देखिए अच्छा एक बात बता, देखिए गांधी का बर्थडे हो तो ठीक है, लेकिन एक तो चीज देखिए स्टेटस में बच्चा लगा था, बहुत खराब लग रहा था। देखिए कोई एक ही बच्चा ना गांधी जी नाच रहे उसका फोटो लगा। देखिए ये चीज सही नहीं है, लेकिन मेरा ना दिल में बहुत हर्ट हुआ, लेकिन हमको उतना अच्छा नहीं लगता है। बस नहीं हम आप लोगों को बता रहे, बस नहीं आप लोगों के जरिए, क्योंकि देखिए अगर बाहर का आदमी कोई गलत करता है उसको हम नहीं सिखा सकते, लेकिन आपको गलत करने से तो रोक सकते हैं। आप लोग भी कुछ बच्चे लोग देख रहे हैं गांधी जी डांस कर उसका वीडियो लगा। देखिए ऐसा ही तो गलत है, ये चीज सही नहीं। बस देखिए गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है ना उसको अगर आप एक किताब भी लिख देंगे तो कम नहीं होगा। गांधी जी का रोल को आप नहीं, अगर आज हम लोग इतना अच्छा से प्यार से पढ़ पा रहे हो गांधी जी के कारण नहीं पढ़ पा रहे,
वहां भैया ठीक है, बोलने वाला ज्ञानी व्यक्ति लोग देखिए बोलने वाला देखिए इंडिया है ना, इंडिया पे प्रॉब्लम क्या ना, इंडिया बहुत बड़ा देश है, और बहुत बड़ा देश होने के कारण ना कुछ कुछ लोग बिना पढ़े लिखे हुए ज्ञानी है बस में, तो उन लोग क्या था ना ज्ञान का भंडार बरसाने लग जाते हैं कि गांधी जी का रोल नहीं था, भगत सिंह ये किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। देखिए कभी भी आदमी जब चाहे जिंदगी हो चाहे बिजनेस चाहे कंट्री, किसी का भी ग्रोथ में ना एक आदमी का रोल नहीं होता है। आदमी जब आगे बढ़ जाता है तो उसको ऐसा लगता है, जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, जैसे अभी आपके मम्मी पापा आपके लिए इतना एफर्ट दे रहे हैं, तो वो अब कल होकर के मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपको बहुत सपोर्ट करता है, आपके दोस्त आपके बहुत सपोर्ट करता है, आपका भाई बहन आपको बहुत सपोर्ट करता है, वो आपको नहीं दिखेगा। जब आप बहुत आगे निकल जाएंगे लाइफ में आपको लगेगा हम अकेले किए, क्या किए अकेले, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में कोई भी आदमी अकेले ग्रो नहीं करता है कहीं ना, तो देखिए देश आजाद हुआ उसमें सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बट उसमें जो सबसे बड़ा हीरो थे वो गांधी जी थे। तो ऐसे गांधी जी का रोल था इसका मतलब ये नहीं कि भगत सिंह का रोल नहीं था, गांधी जी का रोल था इसका मतलब ये नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र का रोल नहीं था। तो किसी एक का बड़ाई करने के लिए आपको दूसरा का बुराई करना होगा ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, और इस थ्योरी को हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए। कल अगर आपका भी कोई छोटा भाई बहन हो तो उसको भी सिखाइए कि ऐसा नहीं लगाना चाहिए स्टेटस, बस मेरे ना गांधी जी ना चले उसका स्टेटस लगाए। तो देखिए दो मिनट के लिए हंसी लग सकता है, यू मे अग्री, देखिए आप मेरा बात से आपको दो मिनट के लिए आप सोचेंगे ना प्रैक्टिकल पढ़ाई से थोड़ा अलग जाके आप लगेगा भैया 100% सही बोल, क्योंकि दो मिनट के लिए आपको हंसी जरूर लगता होगा लेकिन फिर आप सोचेंगे कि ये जो हम लगा रहे क्या ये सही है, क्योंकि गांधी जी क्या ऐसे नाचते हैं बताइए। कोई एक लड़का बता रहे गांधी जी का फोटो लगा, उसमें दो तीन लेडीज लोग डांस कर रही है, मतलब भोजपुरी भोजपुरी गाना मतलब बंगाली गाना लगा डांस कर रहे हैं। हाँ तो ये चीज गलत है, जो लोग बनाते हैं वो लोग भी गलत है। एक्चुअली क्या ना इंडिया में है हम लोग इसलिए ऐसा कर दे रहे, बस समझिए हम लोग इंडिया में है इसलिए ऐसा कर दे रहे, बस समझे ना, हिम्मत करिएगा समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस समझे ना, ये आपके लिए बता रहे थे क्योंकि आप जो करोगे ना आपका छोटा भाई बहन भी वही देखेगा। आपने स्टेटस लगा दिया, आपका छोटा भाई बहन देखा बोले भैया तो ये भी चीज लगा, हम भी लगाएंगे, बोले भाई प्लीज सेंड मी ब्रो, बस समझ लेना। इसीलिए प्लीज अवॉइड ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स, ये खराब चीज है, बहुत खराब चीज है, बस समझ लेना, क्योंकि ये चीज ना बेसिक शिक्षा का अभाव होता है बच्चों लोग में, क्योंकि वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, और वो इतना बड़ा पर्सनैलिटी है। आपको पता है इंडिया ही है जहां पर उनका बेइज्जती कर देते लोग, और फॉरेन कंट्रीज में लोग पूजा करते हैं गांधी जी का, तभी भी आपको पता होगा शायद। तो खैर ये सब समझ, ये सब चीज एथिक्स का अभाव है, एथिक्स मतलब पढ़ाई लिखाई का अभाव, बुद्धि का अभाव बच्चों लोग के अंदर, बस बच्चे लोग अपना एंटरटेनमेंट के लिए दूसरा को हेड कर देते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, दूध जो देखता है बोला ये भी मजा आ रहा था, हमको भेज तो भाई हम भी लगाएंगे, स्टेटस ऐसे ही चलता है ना, स्टेटस का फ्लो ऐसे होता है, ये भी लग रहा है गांधी जी नाचते थे लगा आपको, उसको ये हिस्ट्री भी सही से नहीं पढ़ा। आइए देखिए आगे बढ़ रहे, तो बाबू देखिए तो इंडिया में हर वो, सुनिए इंडिया में हर वो चीज मनी है, इंडिया में हर वो चीज मनी है जहां पर आप, जहां पर गांधी जी का फोटो है, इंडिया में हर वो चीज मनी है जो चीज कॉमन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इंडिया में देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना बाबू, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो भी चीज होगा उसको हम लोग मनी बोलेंगे। इट मे बी मेटल जैसे कि कॉइन्स, इट मे बी पीस ऑफ पेपर जैसे कि नोट्स, इट मे बी एनीथिंग विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हर वो चीज होता है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होता है। मनी एक पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, मनी एक कागज का टुकड़ा हो सकता है, मनी एक स्टील का बना हुआ सिक्का हो सकता है, मनी कुछ भी हो सकता है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होता है। जैसे वो आपका, हम लोग के देश में जो नोट है 500 2000 का नोट जो है, वो 2000 का नोट तभी तक 2000 का नोट है जब तक वो इंडिया में, वही 2000 का नोट को अगर मान लीजिए हम अमेरिका में लेकर के जाते हैं तो वहां के लिए ये बस एक पीस ऑफ पेपर है। यूएस डॉलर यूएस के लिए मनी होगा, हम लोग के लिए वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है तब तक जब तक उसको आप कन्वर्ट नहीं कराते। तो कन्वर्ट करा लिए फिर तो वो रुपया में ही कन्वर्ट हो गया, तो फिर तो यूएस डॉलर का बात ही नहीं होगा। तो यही बात बोला गया कि व्हाट इज मनी, तो मनी में भी मेटल, मनी में भी अ पीस ऑफ पेपर, मनी में भी अ कमोडिटी, मनी में भी एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लिखिए, स्टार्ट करते लिखना, पूरा बैकग्राउंड आपको समझा दिया, अब इजीली समझ जाएंगे आप। पॉइंट वाइज नोट्स बनाइएगा। देखिए पॉइंट नंबर वन लिखिए मनी, पॉइंट नंबर वन लिखिए मनी, नंबर वन लिखिए बाबू क्या, मनी, मनी के बारे में लिखिए। इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज द मेटल कॉमा कमोडिटी कॉमा इवन अ पीस ऑफ पेपर, इवन अ पीस ऑफ पेपर
विच इज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. As the medium of exchange. लिख दे बाब. अच्छा पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट नंबर टू लिखिए. पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट नंबर टू लिखिए. टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम money was introduced. Money was introduced. Barter system के problem को दूर करने के लिए money का introduction हुआ था. Point number 3 लिखिए. Functions of money. लिखिए फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में. लिखिए पैराग्राफ चेंज करके. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मनी. पैराग्राफ चेंज करके आओ. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मनी. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मनी. पॉइंट नंबर वन, medium of exchange. Medium of exchange. देखिए पहले सामान के बदले आप सामान दे देते थे, अभी आप सामान के बदले सामान नहीं दे सकते. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? तो मनी में भी डिफाइंड एज द कॉमन स्टैंडर्ड फॉर द पेमेंट. किसी को कॉमन स्टैंडर्ड के रूप में यूज होता है पेमेंट करने के लिए. तो मनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेमेंट करने के लिए, कॉमन स्टैंडर्ड है. तो क्या होता है, जैसे अभी मान लीजिए आपका घर में रोटी बना और अभी मान लीजिए आपको मोमो खाने का मन कर रहा, आप मोमो दुकान में जाते हैं, वहां पे बोलते हैं आप रोटी ले लीजिए, आपको मोमो दे दीजिए, क्या वो दे देगा? नहीं दे देगा. दिस यूज टू बी अ टाइम, एक जमाना हुआ करता था जब ये सब चलता था, उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे. तो मनी का पहला काम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करना. अभी एमसीक्यू पेपर तो है नहीं कि खाली पॉइंट लिखेंगे, हम लोग डिटेल में लिखना पड़ेगा हम लोग को. चलिए इसके बारे में लिखते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में. किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से. लिखिए मनी केम इनटू यूज टू अवॉइड the inconvenience caused due to barter system. Barter system. Money came into use to avoid inconvenience caused due to barter system. That means in nowadays to exchange goods and services money
मनी इज यूज्ड मनी ऑल्सो एक्ट एज द मीडियम ऑफ पेमेंट. मनी मीडियम ऑफ पेमेंट की तरह यूज किया जाता है. तो मनी ऑल्सो एक्ट एज द मीडियम ऑफ पेमेंट. ये था मीडियम ऑफ एक्सचेंज में. इतना बात लिख के आएंगे. दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर टू. लिखिए मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. बाबू यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि मनी को, देखिए अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. तो अकाउंट्स जब आप बनाते हो, एक तो बड़ा बेसिक चीज बताइए, जब भी आप अकाउंट बनाते हो उसमें आप क्या लिखते हो? रूपी का साइन देते हो. आप रूपी का साइन देते हैं तो अकाउंट्स जब आप बनाते हो तो रूपी का साइन देते हैं. क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का यूनिटी ही होता है मनी. अकाउंटिंग का यूनिटी क्या होता है बाबू? मनी. और आपको अगर एक शब्द में पढ़ाए तो अगर मनी नहीं होता तो हम लोग कॉमर्स ही नहीं पढ़ पाते. क्योंकि कॉमर्स का बेसिक क्या है? मनी. हम लोग कॉमर्स पढ़े, हम लोग के लिए पैसा ही सब कुछ है. तो अगर आप देखेंगे तो घुरा फिरा के पैसा पैसा का ही बात करें. कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे पैसा का बात नहीं होता? बताइए. खाली पैसा का बात करें हम लोग, बस समझे ना. तो मनी इज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. जैसे वजन को किलोग्राम में मापते हैं, जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, इसीलिए कोई भी चीज ट्रांजेक्शन को किसके टर्म्स में मेजर करते हैं? बताइए, मनी. किसके टर्म्स में? मनी. तो कोई भी ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है. तो इन नाउअडेज मनी इज द यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंटिंग का यूनिट क्या है? मनी. कोई भी अकाउंट्स बनाएंगे रूपी रूपी का साइन देते हैं. क्यों नहीं डॉलर का साइन दे देते हैं? क्योंकि इंडिया में है हम लोग, तो इंडिया में रूपी हम लोग के लिए मनी है. अगर वही अमेरिका में अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पे डॉलर का साइन देंगे. अब समझे हम क्या बोले? तो मनी इज ऑल्सो यूज्ड एज द यूनिट ऑफ अकाउंट. लिख दीजिए इसके बारे में. अकाउंटिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. अकाउंटिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. Accounting means the recording of transaction हो गया अब. लिखिए in nowadays, खत्म नहीं बाबू. In nowadays for recording all transactions in nowadays recording of all transactions are done in terms of क्या बाबू? मनी. इन टर्म्स ऑफ मनी उसी में लिखिए. सो मनी इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ अकाउंट.
इज ऑल्सो डेबिट ऑफ अकाउंट. मैं ऑल्सो डेबिट ऑफ अकाउंट डर गया. कितना पॉइंट लिखा बाबू बताइए. तीसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर थ्री. चार ही फंक्शन है मनी का, गिना चुना चार फंक्शन है. पॉइंट नंबर थ्री लिखिए, मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट. मनी एज द स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट. मनी एज द स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट. स्पेलिंग बोले क्या? डीई एफ ई डबल आर ई डी, डिफर्ड पेमेंट. देखिए वो बात नहीं. डिफर्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको? डिफर्ड मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर का पेमेंट करने के लिए. फ्यूचर का पेमेंट मतलब जैसे देखिए, हम आज आपसे एक तो सामान खरीदे और मेरे पास आज पैसा नहीं है, हम आपको बोले हम आपको 10 दिन बाद दे देंगे. तो 10 दिन, जैसे अगर आपसे हम आज 100 रुपया में कोई सामान खरीद रहे हैं, अगर हम आपसे 100 रुपया में कोई सामान खरीद रहे तो 10 दिन बाद भी आपको हम 100 ही रुपया देंगे. 110 रुपया लीजिएगा. हाँ ठीक है, 110 रुपया भी आप लेंगे तो वो स्टैंडर्ड बनाया जाता है ना कि कितना लेंगे आप. तो मनी के हेल्प से ना हम लोग फ्यूचर का पेमेंट्स को कर सकते थे. लेंडिंग एंड बोरोइंग्स बाद में बाबू. द टास्क ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मनी. मनी के हेल्प से लेंडिंग एंड बोरोइंग का काम हम लोग कर सकते हैं. लेंडिंग और बोरोइंग का काम हम लोग मनी के हेल्प से कर सकते हैं. आज पैसा लिए, 2 साल बाद वापस करेंगे आप, 5 साल बाद वापस करेंगे, 4 साल बाद वापस करेंगे. दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ मनी, नॉट इन द वाटर सिस्टम. क्या वाटर सिस्टम में संभव होगा? आज आपसे गाय ले लिए, बोले 4 साल बाद भैंस देंगे. वॉज इट पॉसिबल? नो. तो वाटर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट वॉज नॉट पॉसिबल. मनी सिस्टम में आप पेमेंट फ्यूचर में भी कर सकते हो. यस नो बच्चों? लिखिए. बोले क्या? लिखिए. बाबा कैसे बोल रहे हैं आप, बोलिए ना. देखिए तो आप प्यार से बोले बाबू. देखिए देखिए, डिफर्ड पेमेंट मींस, डिफर्ड पेमेंट मींस डिफर्ड पेमेंट्स में पेमेंट मींस फ्यूचर पेमेंट. मनी कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, मनी कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ करेंगे आप. मनी कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, यस, मनी कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग. Lending and borrowing of the money it can also be used for making future payments. Future payments which seemed SEEMED, which seemed impractical, which seemed impractical practical in case of barter system in case of barter system. हो गया. कितना पॉइंट हो गया बाबू बताइए. पॉइंट नंबर 4 लिखिए. सीम मतलब खाने वाला सीम नहीं, यहां सीम मतलब लगा, ऐसा लगता है. इट सीम्स टू मी,
हो गया बाबू। लास्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर फोर, यस मनी मतलब फ्यूचर। मनी एक ऐसा चीज जिसको लेन देन कर सकते हैं, लेन देन का पर्पज में यूज कर सकते हैं फ्यूचर का पेमेंट के लिए। लेकिन पहले जो कि बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल था, बार्टर सिस्टम में आज का पेमेंट आपको आज ही करना पड़ेगा। मनी सिस्टम में आज का मनी को कल भी पेमेंट कर सकते हैं। आज आपसे हम 500 रुपया में ले रहे, कल उसको हम 510 रुपया देंगे या 520 रुपया देंगे या 500 रुपया देंगे, लेकिन कल के फ्यूचर के लिए इसका पेमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। देखिए लास्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, बात नहीं बाबू। देखिए मनी मनी हैज स्टोर वैल्यू, मनी हैज स्टोर वैल्यू, मनी हैज स्टोर वैल्यू। मनी का स्टोर वैल्यू होता है, स्टोर वैल्यू मतलब क्या, दुकान का वैल्यू नहीं। यहां पे स्टोर वैल्यू का मतलब होता है इकट्ठा करना। मनी को हम लोग रख सकते हैं जमा करके, जैसे अलमारी के पीछे छुपा के रखते हो पैसा, जैसे तकिया के नीचे छुपा के रखते हो पैसा, जैसे बेड के नीचे रखते हो। फोन के पीछे वाला ट्रेंड बहुत ज्यादा चलता है, तो फोन के पीछे जो पैसा रखते हो डे टू डे एक्टिविटी के लिए लोग रखते हैं, डे टू डे इमरजेंसी। देख रहे ना, हम लोग का देश में इमरजेंसी के लिए पैसा कहां रखते हैं, हम लोग फोन के पीछे। बस समझ रहे ना, फोन के पीछे पैसा रखते हैं। तो ये सारा चीज चलता है, और ये आप तभी कर सकते हो जब मनी का बात होगा। अगर बार्टर सिस्टम में होता था ऐसे, जैसे एग्जांपल दे रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक तो भैंस है। क्या बाबू, भैंस। अभी हम कहीं भी घूमने जाएंगे तो भैंस को लेके घूमते रहेंगे क्या? लॉजिकली सोचिए, घूमते रहेंगे। बस भैंस को लेके तो नहीं ना घूमते रहेंगे। मान लिया मेरे घर में धान बहुत हुआ है, मेरे घर में धान बहुत हुआ है, हम धान को लेके घूमते रहेंगे क्या पूरा इंडिया भर? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए देखिए बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था, और उसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मनी सिस्टम लाया गया। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बार्टर सिस्टम बताया कि बार्टर सिस्टम का जो प्रॉब्लम था वही मनी का फंक्शन है। बार्टर सिस्टम का जो प्रॉब्लम था वही मनी का फंक्शन है। तो बार्टर, इन द बार्टर सिस्टम देयर वाज नो स्टोर वैल्यू। बात नहीं बाबू, देयर वाज नो स्टोर वैल्यू, क्योंकि एक तो वो जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरा लोगों के पास जगह का भी प्रॉब्लम था, तीसरा लोगों के पास प्रॉपर फैसिलिटी कहां था, क्योंकि और चौथा बात ये भी है कि जो बहु बात नहीं, जो पेरिसेबल प्रोडक्ट है, पेरिसेबल मतलब खराब होने वाला सामान है, उसको आप स्टोर कैसे करके रखेंगे? जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, इस सब चीज का तो स्टोर वैल्यू नहीं है। कितना भी अच्छा से स्टोर करिए तो खराब हो ही जाएगा, कितना भी अच्छा स्टोरेज रखिएगा एक प्रॉपर टाइम लिमिट के बाद वो तो खराब हो ही जाएगा। तो मनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है हम लोग को, हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब सुन लो और यूनिक बात, व्हेन यू स्टोर द मनी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट बिकम्स द वेल्थ। व्हेन यू स्टोर द मनी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट बिकम्स द वेल्थ। जब पैसा को लंबे समय तक आप जमा कर करके रखते हो तो वो क्या बन जाता है बाबू? वेल्थ। तो देखिए मनी को स्टोर करोगे तो वेल्थ बन जाएगा, लेकिन अगर गाय को स्टोर करोगे तो गाय ही रहेगा, भैंस को स्टोर करेंगे भैंस ही रहेगा, चावल को स्टोर करेंगे चावल ही रहेगा। डेफिनेशन वाइज देखिए ना, तो व्हेन द मनी हैज बीन स्टोर्ड, और आज के जमाने में लोग पैसा को स्टोर कर रहे हैं, स्टोर कर करके लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं, और जब पैसा को स्टोर करके लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हो तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाता है, एक बहुत बड़ा वेल्थ बन जाता है, जिसको संपदा बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। लिख दीजिए इसमें, इन द बार्टर सिस्टम देयर वॉज द बार्टर सिस्टम देयर वॉज नो स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी बट मनी कैन बी बट मनी कैन बी स्टोर्ड S-T-O-R-E-D, stored, but money can be stored and used for
फ्यूचर पर्पज. उसका लिखिए द मनी विच इज स्टोर्ड द मनी विच इज स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Long period of time becomes the wealth ठीक है. फिर इसके आगे फिर अगले दिन करेंगे हम लोग. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. बाय बाय एंड टेक केयर.